पुंडीर राजपूत वंश का इतिहास। गोत्र पुलस्त्य व कपिल, प्रवर पुलस्त्य, विश्ववस और दंभोली, वेद यजुर्वेद, शाखा वाजसनेयी व मध्यान्दिनी, सूत्र पारस्कर ग्रह सूत्र, कुलदेवी दधिमती माता। अयोध्या के राजा श्री राम के पुत्र कुश के वंशजों में राजा पुंडरीक हुए। राजा पुंडरीक बड़े प्रतापी राजा थे, इस कारण उनके नाम से उनके वंशज पुंडीर कहलाते हैं। पहले इनका राज्य तिलंगाना आंध्र प्रदेश में था। पुंडीरों में कुछ राजाओं के नाम ब्रह्मादेव, कपिल देव, समुद्र राज, लोप राज, फीम राज, केवल राज, जढ़ासुर राज और मढ़ासुर राज बताए जाते हैं। मढ़ासुर राज कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए आया था। यहाँ के शासक सिंधु रघुवंशी ने अपनी पुत्री अल्पदे का विवाह राजा मढ़ासुर राज से कर दिया और कैथल का क्षेत्र दहेज में दे दिया। यह घटना विक्रम संवत 702 की मानी जाती है। मढ़ासुर राज ने पुंडर शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। जिला करनाल के पुंडरक, हावड़ी और चूर्णी स्थानों पर पुंडीरों ने किले भी बनवाए। चौहान सम्राट पृथ्वीराज के समय में पुंडीर उनके अधीन हो गए। पृथ्वीराज ने इन्हें जागीर में पंजाब का इलाका दिया। यह पृथ्वीराज के सामंतों में थे। पृथ्वीराज के बड़े सामंतों में चंद पुंडीर थे। उसकी पुत्री से पृथ्वीराज का विवाह भी हुआ था। एक बार पृथ्वीराज शिकार खेलने गया था। उस समय शहाबुद्दीन गौरी ने भारत पर चढ़ाई की। चंद पुंडीर ने सेना लेकर चिनाब नदी के किनारे उसका मार्ग रोका और गौरी से उसका जबरदस्त युद्ध हुआ। उस युद्ध में चंद पुंडीर का एक पुत्र वीरता पूर्वक युद्ध करता हुआ मातृभूमि के लिए बलिदान हुआ था। शहाबुद्दीन गौरी फिर युद्ध में परास्त होकर भाग गया। जब पृथ्वीराज कन्नौज से संयोगिता का हरण करके भागा, तब जयचंद की विशाल सेना ने उसका पीछा किया। जयचंद की सेना से पृथ्वीराज के सामंतों ने घोर युद्ध करके उस विशाल वाहिनी को रोका था, जिससे पृथ्वीराज को निकल जाने का समय मिल गया। उस भीषण युद्ध में चंद पुंडीर कन्नौज की सेना से युद्ध करके जूझा था। चंद पुंडीर का एक पुत्र धीर पुंडीर भी था। वह भी बड़ा सामंत था। उसके अजय देव, उदय देव, वीर देव, सवीर देव, साहब देव और बीसल देव 6 भाई और थे। एक बार जब शहाबुद्दीन भारत पर आक्रमण करने आया, तब पृथ्वीराज का सामंत जयतराव 8,000 घुड़सवार सेना के साथ उसे रोकने के लिए गया था। उसके साथ धीर पुंडीर तथा उसके अन्य भाई भी थे। उस युद्ध में धीर पुंडीर का भाई उदय देव वीर गति को प्राप्त हुआ था। एक बार मुसलमान घोड़ों के सौदागर बनकर पंजाब में आए और धोखे से धीर पुंडीर को मार डाला। इस पर पावस पुंडीर ने उन्हें मार कर बदला लिया। पृथ्वीराज को जब इस घटना की खबर मिली, तब उसे बड़ा अफसोस हुआ। पावस पुंडीर धीर पुंडीर का पुत्र था। पृथ्वीराज के ईस्वी 1192 में गौरी के साथ हुए अंतिम युद्ध में पावस पुंडीर मारा गया। पुंडीरों के इतिहास में वर्णन है कि पुंडीर शासक इसम हरिद्वार का शासक था। उसके बाद क्रमश सिखेमल, वीडोकदम, हास और कुंतल शासक हुए। कुंतल के बारह पुत्रों में अजब सबसे बड़ा था। बाद में उसका भाई सलक हरिद्वार का शासक हुआ। इसके दो पुत्र चांद सिंह और गज सिंह थे। गज सिंह रामगढ़ की तरफ चला गया था। उसके वंशजों के काफी गांव थे, जिनमें 80 गांव मैनपुरी और इटावा जिले में थे। इस वंश का एक राज्य जसमोर था, जहाँ शाकंभरी देवी का मेला लगता है। पुंडीर पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, इटावा और अलीगढ़ जिलों में है। पुंडीरों की एक शाखा गुलवाल भी है।